बैठिए बैठिए, ये सरदार भान सिंह हैं, राजा सूरजमल की तरफ से आए हैं। नमस्कार। भान सिंह, होलकर का कोई राज सिंधिया खानदान से छुपा नहीं रहता। जो मुझे बताया है इन्हें भी बता दीजिए, ये सुनकर खुश होंगे। महाराजा सूरजमल, होलकर महाराज और सेनापति महाजी सिंधिया के दर्शन करना चाहते हैं। इसके लिए आप जो भी दिन और समय निश्चित करेंगे वो अवश्य पधारेंगे। ये तो बड़ी अच्छी खबर है। इसका मतलब ये हुआ कि नजीब के खिलाफ वो हमारा साथ देने को तैयार हैं। अब ये तो स्वयं महाराज सूरजमल ही आपको बता पाएंगे। हमें अंदाजा है, क्योंकि अपने पिछले हमलों में अब्दाली ने कई बार जाट इलाकों को तबाह और बर्बाद किया है। इसीलिए महाराज सूरजमल हमारा साथ देंगे। इसके विपरीत राजपूतों से हमने तावान चौथ और सरदेशमुखी वसूल किए, इसलिए राजपूत हमारा साथ नहीं देंगे। राजपूत अगर गैर जानिबदार भी रहे तो इसमें हमारा बड़ा फायदा है। तो मैं महाराज सूरजमल को क्या जवाब दूं? वो जब चाहे तशरीफ लाएं, जल्दी से जल्दी हम उन्हें अपने सर आंखों पर बिठाएंगे। महाराज की जय हो। नमस्कार। 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 पधारिए। आइए। हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन भानसिंह के कुछ सवाल हैं। जरूर पूछिए। क्षमा चाहता हूं महाराज, हमने सुना है कि आप नजीब खान को अपना बेटा समझते हैं और वो आपको अपना पिता मानता है, लेकिन हम उसे अपना दुश्मन समझते हैं। ये वो शख्स है कि जहां तलवार की तेज धार काम नहीं करती वहां अपनी मीठी जबान से काम लेता है, दुश्मन को दोस्त बनाता है और अपना उल्लू सीधा कर लेता है। आपने सच सुना है। राजा सूरजमल, हम वचन देते हैं उससे हमारा निजी रिश्ता हमारी और आपकी दोस्ती के बीच नहीं आएगा। आपको अंधेरे में रखकर हमने उसके साथ न तो कोई गुप्त समझौता किया है और न करेंगे। दिल्ली पर हम अपना हक समझते हैं। सूरजमल जी, पेशवा जी महाराज की नीति है मुगल बादशाहों को अपने हाथ में रखना, दिल्ली पर कब्जा करना नहीं। हम चाहेंगे। सूरजमल जी, जब दुश्मन सर पर खड़ा हो आखिरी फैसले नहीं करते। हम क्या चाहते हैं, क्या चाहेंगे, आप समय पे छोड़ दीजिए। हम अब्दाली को खदेड़ कर भगा दें, हम दोस्त बन जाएं, इस देश में हमारे लिए जगह की कमी नहीं होगी। मैंने अपनी आंखों से दत्ताबा की हत्या देखी है, हम सब उनका दाह संस्कार भी नहीं कर पाए। उनके तर्पण के लिए नजीबुद्दौला, कुतुब खान या अब्दाली का खून दिला दीजिए, हम सबकी और उनकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। अगर आपको विश्वास हो गया हो तो चलिए प्रतिज्ञा करें। चलिए।